सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखते हैं कौन कैसे जीता, कौन लड़ा। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड वाले से अगर आपके दिमाग में कंपैरिजन चलता रहे कि उस समय कौन सा देश किस तरफ था, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो भी देखते रहिएगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो 1 तारीख को हमला, 1 सितंबर को किसने हमला किया? जर्मनी ने 1939, जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे 1 सितंबर, 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पे, क्योंकि वो उसे जो है डेजिंग पोर्ट मांग रहा था। ठीक है, और जर्मनी की ट्रीटी हो चुकी थी किससे, यहाँ पर यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन जो था, जो रशिया वाला, तो उसको लगा कि अब अगर हम अटैक करेंगे पोलैंड पे तो फिर हमारे को अब उधर सामने से अटैक नहीं होगा। और यूएसएसआर, हमने बताया था, स्टालिन जो है वो इसलिए मान गए थे, उनको लगा था कि चलो इधर पोलैंड भी जब ये लोग जीतेंगे तो पोलैंड को भी इन्होंने आपस में बांट लिया था फिर, क्योंकि पोलैंड में बहुत सारा रीजन हमने आपको बताया था रशिया का था, याद आ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पोलैंड बनाया गया था। जी सर, पोलैंड पहले यस क्या है, सर, रशियन एम्पायर का पार्ट था ना, तो इसी वजह से रशिया ने, जो स्टालिन थे, इन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट किया भी था कि अगर आप किसी पे आक्रमण करेंगे तो हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट था। तो 1 सितंबर 1939 जर्मनी को लगा कि उधर ब्रिटेन भी कुछ नहीं बोल रहा था, फ्रांस भी कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टिकरण की नीति चल रही थी, तो पोलैंड पे इन्होंने हमला कर दिया। और जैसे ही पोलैंड पे हमला किया, ठीक 2 दिन के बाद 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट जर्मनी। किसने? ब्रिटेन और फ्रांस ने, इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। वॉर डिक्लेयर अगेंस्ट जर्मनी, लेकिन अगले 1 साल तक बहुत तेजी से लड़ाई नहीं हुई। और इसका नतीजा ये हुआ कि मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अपनी सेनाएं उतनी संख्या में नहीं उतारी। और उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 2 साल तक जर्मनी लगातार क्षेत्रों को जीतता रहा। अभी पोलैंड को जीतेगा, फिर और बहुत सारे जगहों को, नॉर्वे को जीतेगा, डेनमार्क को जीतेगा, बेल्जियम को जीतेगा, नीदरलैंड को जीतेगा, और तब तक ये लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब एक साथ मिलके कलेक्टिव होकर एक साथ जब हमला करेंगे, तब जाके कहीं जर्मनी को ये हरा पाएंगे। और वही दूसरी तरफ जापान, जो पहले किधर था, ब्रिटेन की तरफ था, इस बार वो जर्मनी की साइड में। उसका जो एंटी हो गया, वो हो गया यूएसए और जापान के बीच में। ठीक है, और जापान ने आक्रमण कर दिया था भारत की तरफ भी, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उस समय भारत में भी एंट्री बर्मा तक पहुंच गया था वो। तो अब देखिए जापान उस तरफ पहुंच जाएगा, शुरुआत में जो रशिया पहले इस तरफ था ब्रिटेन की तरफ, वो भी शुरुआत में अभी जर्मनी की तरफ रहेगा। तो यहां पर अब कुछ चीजें, सिचुएशन चेंज होगी, और फिर देखेंगे कि कैसे यूएसएसआर, जो रशिया था, उसके ऊपर ही जब हमला कर दिया जर्मनी ने, तो फिर उसने किससे गिड़गिड़ाया? ब्रिटेन के सामने। जिस तरह से जब जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया, तो वहां के राजा हरि सिंह फिर भारत सरकार के सामने क्या है, गिड़गिड़ाने लगे कि हमें बचा लीजिए, वैसे ही यहाँ पर हुआ था। और यही कहा गया था कि ठीक है, पहले आप एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करिए और फिर हम आपको बचाएंगे। तो हरि सिंह ने क्या है, कश्मीर का विलय फिर कर दिया हमारे भारत में। और उस दिन जब उन्होंने इसको भारत में मिला दिया, तो अब ये भारत का क्षेत्र हो चुका है, इसको कोई नहीं ले सकता, वैसे ही वहां पर हुआ। तो
रशिया जब रशिया पे अटैक कर दिया और रशिया के 5 लाख नागरिकों को मार भी दिया, तो रशिया की हालत खराब हो गई। तब उन्होंने स्टालिन ने किससे रिक्वेस्ट करी, ब्रिटेन से, और ब्रिटेन ने कहा ठीक है हम हमारी तरफ आ जाइए और हम जो है आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एक एग्रीमेंट होने के बाद। तो इन घटनाओं को हम धीरे धीरे सीक्वेंस में अब हम देखेंगे कि देखो यहां पर तो देश भी दूसरी तरफ थे और एक एक करके हराएंगे। देखिएगा पहले हरा देखियो पहले यूएसएसआर भी ब्रिटेन के खिलाफ था, तो जो आपका रशिया था वो तो ब्रिटेन के साथ आ गया, ठीक है। फिर इन्होंने हराया इटली को, फिर इन्होंने हराया जर्मनी को, फिर इन्होंने हराया जापान को। मेन इनको जैसे ही ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने हराया, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी फिनिश हो जाए। तो हल्का सा पहले हिंट दे देते हैं, फिर डिटेल में जाते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, अभी एक स्टोरी सुना रहे हैं, फिर जब लिखवाएंगे तो दोबारा और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए इधर आपकी एलाइड पावर थी, मित्र राष्ट्र, और इधर की तरफ आपकी सेंट्रल पावर, धुरी राष्ट्र। ये तो इधर तो आपको पता ही है आपका ब्रिटेन और फ्रांस, और बाद में इसमें जुड़ जाता है आपका यूएसए। और देखिए रशिया को हम लिख रहे हैं बीचों बीच में, पहले ये इस तरफ रहता है और बाद में ये इस तरफ आ जाता है, ठीक है। और इधर धुरी राष्ट्रों या सेंट्रल पावर की बात करी जाए तो सबसे पहले आपका जर्मनी, इटली और जापान, यही मेन है। इसमें पहले इटली को हराया जाएगा, फिर जर्मनी को हराया जाएगा, और सबसे लास्ट में जापान को हराया जाएगा। क्या बॉम्ब गिराया जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी पर। बकायदा जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो ट्रूमैन रहते हैं, उनको जो है बकायदा सलाह दी जाती है, एडवाइस करी जाती है कि अगर अब जापान को रोकना है, युद्ध को रोकना है, तो हमें वी हैव टू यूज द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब। और तब जाकर बॉम्ब के हमले का आदेश हुआ था, बदला भी लेना था उनके यहां पर भी। जापान ने उनके जो उनका नेवी का हेडक्वार्टर था पर्ल हार्बर, वहां पर हमला किया था, लेकिन वो तो 3 साल पहले किया था। तो वॉर को खत्म करने के लिए सबसे लास्ट में जापान पे जो है एटम बॉम्ब गिराए गए, ठीक है ये मान के चलिए। तो इधर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ठीक है यूएसए बाद में आया, जब यूएसए पे जापान ने हमला किया तब यूएसए आया, ठीक है। और इधर जर्मनी पहले से ही था, ठीक है। इटली था इस तरफ, पहले इटली फर्स्ट वाले में इस तरफ था, लेकिन इस बार इस तरफ था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में जीतने के बावजूद इटली को बहुत सारा क्षेत्र, जैसा उसने सोचा था, कॉलोनीज वगैरह, वो नहीं मिला था। और इस बार इटली में मुसोलिनी था, वो भी एक डिक्टेटर था, ठीक है। जापान भी इस तरफ आ गया इस बार, और रशिया जो शुरू में सेंट्रल पावर की तरफ था जर्मनी के साथ, लेकिन जैसे ही जर्मनी ने 1941 में रशिया पर ही अटैक कर दिया, तब रशिया जो है आपका ये सोवियत यूनियन जो है इस तरफ आ गया। फिर इन सब ने मिलकर इनको हराया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते, तो शुरुआत हुई जर्मनी ने करी फर्स्ट सितंबर 1939, इन्होंने अटैक कर दिया पोलैंड पर। और जैसे ही इन्होंने पोलैंड पे अटैक किया, ठीक 2 दिन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है देखिए बाइलिंगुअल है इसलिए दोनों लेकर चल रहे हैं, कहीं कहीं इंग्लिश में लिख देंगे, कहीं कहीं हिंदी में, ताकि दोनों को बुरा ना लगे। ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ठीक 2 दिन के बाद, 3 सितंबर 1939, अगेंस्ट जर्मनी।
ठीक है, वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन वॉर डिक्लेयर करने के बाद भी शुरू में इन लोगों ने उस तरीके से लड़ाई नहीं करी, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से सेना नहीं भेजी, और इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी ने पोलैंड को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड को हराकर उस पूरे रीजन पर कब्जा कर लिया। और इसको इस तरफ आपका क्या है, सोवियत यूनियन यानी रशिया, उन लोगों ने मिलकर पोलैंड को आपस में बांट लिया, दोनों ने मिलकर पोलैंड को आपस में बांट लिया, ठीक है। और फिर अगले 5 महीने तक कुछ नहीं हुआ, यहां पर बस ये बंटवारा हो रहा था, अगले 5 महीने तक फिर कुछ नहीं हुआ। 5 महीने के बाद अब जर्मनी ने सोचा कि ऊपर की तरफ आपको दिखा देते हैं मैप में, आप लोग के पास होगा, नॉर्वे और डेनमार्क हमने भेजा है मैप, उसमें से निकाल के देख सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी सही रहेगा, ठीक है। तो नौ मैप 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 ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको दिखेगा नॉर्वे और डेनमार्क, एक सेकंड दिखाते हैं आपको, ये देखिए नॉर्वे और ये डेनमार्क, ठीक है। इन्होंने नॉर्वे और डेनमार्क पर फिर अटैक किया, किसने, जर्मनी ने, सोचिए, ठीक है। जर्मनी ने इसके बाद किसको अटैक किया, पहले पोलैंड को ले गए ये लोग, ये वाला रीजन देखिए पूरा, ठीक है, पोलैंड, ये वाला रीजन पूरा मिला लिया। फिर उसके बाद इन्होंने अटैक कर दिया नॉर्वे और ये डेनमार्क। देखिए स्वीडन पे कुछ नहीं किया अभी, अभी फिनलैंड पे भी कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी उन्होंने सबसे पहले मई में ही 1940 के आसपास इन्होंने नॉर्वे और डेनमार्क पे अटैक कर दिया। अब देखिए ये दोनों भी इसके अंडर में आ गए, यानी नॉर्वे भी हो गया और डेनमार्क भी हो गया, और इधर पोलैंड आ चुका था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद यहीं पर आपका नीदरलैंड है और आपका बेल्जियम है, याद आ रहा है बेल्जियम कहाँ पे है, ये आप लोग को दिखा देते हैं मैप में ही, ये डेनमार्क के बाद नंबर 3 आपका दिखता है, यही है हॉलैंड या नीदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड, ये आपको दिखेगा ये, और उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा बेल्जियम, दिखा, दिखाई दिया, यस ठीक है। उसके बाद जर्मनी ने फिर जीत लिया इनको, कब, मई 1940। तो देखिए वॉर डिक्लेयर भले कर दिया था ब्रिटेन वगैरह ने, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी बहुत पूरी तरीके से अपनी सेना को जर्मनी के खिलाफ नहीं उतारा, तो कहीं छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले पूरे पोलैंड को जीत लिया, फिर उसके बाद इधर नॉर्वे को जीत लिया, फिर इसके बाद ये डेनमार्क दिख रहा होगा आपको, इस डेनमार्क को जीत लिया, ठीक है। और मई 1940 में हॉलैंड और बेल्जियम को भी जीत लिया, ये बेल्जियम भी जीत लिया इन्होंने और हॉलैंड को भी जीत लिया। अब इसके बाद इनका मेन दुश्मन जो पुराना था, इन्होंने अब जर्मनी ने हमला कर दिया फ्रांस पे, दिख रहा है ना फ्रांस पीछे, फ्रांस पे, और फ्रांस पे जब हमला किया तो फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। सोच लीजिए इतनी ज्यादा इनकी सेना इस बार जर्मनी की पावरफुल थी, हमने बताया ना, एक तो सभी सैनिकों में क्या था, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मतलब बिल्कुल मरने मारने पर उतारू रहते थे, ठीक है। और हमने बताया ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर भले डिक्लेयर कर दिया था,
लेकिन अभी इन्होंने अच्छे से स्टेप नहीं उठाया और उसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी ने फ्रांस को भी हरा दिया। सोचिए, और वहां पर जर्मनी ने फ्रांस को इसलिए हरा दिया क्योंकि यहां पर दो जनरल थे, मतलब जो आर्मी ऑफिसर थे दो तरह के थे। एक आर्मी ऑफिसर जर्मनी के सपोर्टर थे, ठीक है, मार्शल पेटा उनका नाम था, अभी हम बताएंगे, मार्शल पेटा, ये जर्मनी के समर्थक थे, ठीक है, और मतलब वही एक तरह से घर के भेदी थे। और दूसरे थे एक मार्शल चार्ल्स डी गाल, चार्ल्स डी गाल, ये युद्ध कर रहे थे किसके खिलाफ, जो है जर्मनी के खिलाफ। लेकिन यहां पर धोखा दे दिया किसने, मार्शल पेटा ने। इनके धोखे की वजह से क्या हुआ, फ्रांस हार गया। और जब फ्रांस हारा तो जर्मनी की सेना ने वहां के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, और बचे कुचे सैनिक लगभग 1000 के आसपास, इतने ही सैनिक बच पाए थे, लगभग इतने सैनिक ये चार्ल्स डी गाल जो जनरल थे इनके लीडरशिप में वहां से भागे और पहुंच गए ब्रिटेन। ब्रिटेन में लंदन पहुंच गए, ये लोग पहुंच गए लंदन। सोचिए इतनी ज्यादा मारकाट हुई कि इनको वहां से भागना पड़ा, ठीक है, और ये लंदन पहुंच गए। और वहां पर इन्होंने फ्रांस की एक निर्वासित गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जापान में जाकर भारत सरकार का निर्माण किया था, याद है, किसी को पता है इस बारे में, पता तो होगा ना, जब यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वैसे ही यहां पर भी क्या हुआ, फ्रांस पे कब्जा किसका है, जर्मनी का, लेकिन फ्रांस के जो जनरल हैं और सैनिक हैं उन्होंने लंदन पहुंचकर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी, एक्साइल गवर्नमेंट, निर्वासित सरकार। और वैसे ही एक भारत की निर्वासित सरकार जापान में भी गठित करी गई थी, सुभाष चंद्र बोस ने गठित करी थी, उसमें प्रधानमंत्री सब लोग उसमें थे। उसको आज इंटरनेट पर जाकर देखिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा, तो आपको आज वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं मिले तो बताइएगा, फिर पीडीएफ बनाकर आपको भेज देंगे, वैसे भी आप लोग पढ़ते हैं नहीं, भेजने से कोई फायदा है, ठीक है। तो इसी तरीके ये लोग भाग के लंदन पहुंच गए, और फ्रांस किसके कब्जे में आ गया, जर्मनी के कब्जे में। आप सोचिए फ्रांस भी जर्मनी के कब्जे में आ गया, और जैसे ही फ्रांस हारा, ठीक है, फ्रांस के हारते ही इटली जो है थोड़ा सा फ्रांस और ब्रिटेन से डर रहा था, तो इसीलिए अभी जर्मनी का साथ नहीं दे रहा था, समझ रहे हैं, वो जर्मनी का साथ इसी वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस से थोड़ा सा डरा हुआ था। क्यों, क्योंकि पहले वो जानता है कि ये पावरफुल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्रांस में कब्जा कर लिया जर्मनी ने, ठीक है, वैसे ही इटली भी जर्मनी की तरफ से वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। इस बार वो जर्मनी की तरफ से, पहले किसकी तरफ से था, पहले भी उसका गुट जर्मनी के साथ ही था, लेकिन लालच दिया गया था ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि हम आपको ऑस्ट्रिया का रीजन और बहुत सारे रीजन देंगे, और इसीलिए इटली जो है शामिल भी हुआ था। इस बार मुसोलिनी जर्मनी की तरफ, ठीक है, वो किसकी तरफ से शामिल हो गए, जर्मनी की तरफ से, और साथ ही साथ जर्मनी की हेल्प देखिए यूएसएसआर भी कर रहा। अभी तो इस बार जर्मनी को हर तरफ से जो है हेल्प मिल रही है, देखो जर्मनी को इटली की हेल्प भी मिल रही है, फ्रांस में भी उसका कब्जा हो गया, और ईस्ट में जो है पोलैंड पे भी कब्जा कर लिया, और उसको हेल्प मिल रही है यूएसएसआर से। और यूएसएसआर में जबरदस्त उस समय हथियारों का उत्पादन शुरू हुआ, हथियारों का उत्पादन इधर यूएसए कर रहा था और दूसरी तरफ यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन यानी कि स्टालिन, ये लोग जबरदस्त प्रोडक्शन कर रहे थे, मतलब हजारों की संख्या में, तो सोचिए एयरक्राफ्ट बनाए गए, हजारों की संख्या में एयरक्राफ्ट, समझ रहे हैं उस समय के हिसाब से, और वो प्रोडक्शन इतनी तेजी से हुआ, हजारों की संख्या में एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे थे, सोचिए वो सब यहाँ पर चल रहा था। और अभी देख लीजिए, अभी जर्मनी ही पावरफुल था, ठीक है, और यहां पर भी जर्मनी तब तक पावरफुल बना रहेगा जब तक अमेरिका कूद नहीं पड़ता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था, जर्मनी हारना कब शुरू किया, जैसे ही यूएसए जो है युद्ध में उतर आया। इस बार भी यूएसए ने क्या किया, शुरुआत में युद्ध में नहीं उतरा, 1941 तक युद्ध में नहीं उतरा वो,
सोच लीजिए, जब तक जापान ने उस पर हमला नहीं किया। जापान ने एक छोटा सा आइलैंड है पर्ल हार्बर पैसिफिक ओशन में, वहां पर नेवी बेस था किसका, यूएसए का। तो यूएसए अभी यहां पर वो नहीं उतरा युद्ध में, इसी वजह से क्या हो रहा है इस बार भी देखिए सब हारते चले जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था, यानी कि जो सेंट्रल पावर थी, जो धुरी राष्ट्र हैं, जर्मनी वगैरह थे, ये शक्तिशाली बहुत रहे हैं, सिर्फ इनको हराने में सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो अमेरिका का ही रहा है। वरना जो हारे हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सबसे पावरफुल कंट्री उस समय के वही थे, ये जान लीजिए। लेकिन इन लोगों ने, स्पेशली यूएसए ने मिलकर फिर जो है उनको हराया, ये जान लीजिए। वरना जापान यूएसए को जबरदस्त टक्कर दे रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इधर जर्मनी पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले रहा था, ये जान लीजिए। वो तो यूएसए उतरा और फिर स्ट्रेटेजी बनाई गई इन लोग को हराने की। जापान को हराने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग, एटम बॉम्ब यूज किया गया, सोचिए। वरना ये सब हारने वाले नहीं थे, बहुत शक्तिशाली। जर्मन सेना के बारे में अब इतना 2 साल में इतना पता चल गया था कि जर्मनी को हराया नहीं जा सकता। तो इसी वजह से जिस तरफ भी जर्मनी की सेना मुड़ जाती थी, वहां का जो शासक होता था, वहां का जो प्रधानमंत्री, जो भी कंट्री होता था, वो तुरंत ही सरेंडर कर दे रहा था, क्योंकि इनको लगा कि जर्मनी को जब फ्रांस नहीं हरा पाया, उसने नॉर्वे, डेनमार्क सब पे कब्जा कर लिया, और ब्रिटेन वगैरह उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। तो जर्मनी ने अपना अंपायर बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और यूएसए इस समय क्या कर रहा था, यूएसए ब्रिटेन और फ्रांस की हेल्प कर रहा था, किस तरीके से, वही आपका आर्म्स, और यहां पर आर्म्स के साथ साथ वो फूड और सप्लाई सब कुछ कर रहा था, फूडिंग, लॉजिंग सब चीज के लिए, फूडिंग के लिए स्पेशली। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर बताते हैं। इस समय यूएसए क्या कर रहा था, ठीक है, यूएसए अभी भी बाहर था, यूएसए अभी भी बाहर था, अभी वो युद्ध में नहीं उतरा, ठीक है। तो हमने बताया ना, अब तक जर्मनी ने कहां कहां कब्जा कर लिया, बता देते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले उसने पोलैंड पे कब्जा किया, फिर नॉर्वे पे कब्जा कर लिया, फिर डेनमार्क, फिर जो हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको हम बोलते हैं, हमने मैप पे दिखाया भी आपको, और बेल्जियम, और जब यहां पे कब्जा कर लिया तो उसने आपकी फ्रांस को भी, सोचिए ये 6 देश उसके अंडर में आ गए। फ्रांस पे भी कब्जा कर लिया, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी ब्रिटेन और अमेरिका को फ्रांस को छुड़ाने के लिए। और हमने बताया फ्रांस में एक सेनानायक जर्मनी की तरफ थे जिन्होंने धोखा दिया था, चीटिंग करी थी, और इसी वजह से फ्रांस और जल्दी हार गया। तो बचे हुए लोग वहां से भागे और लंदन पहुंच गए, ठीक है, बचे हुए सैनिक वहां से भागे, लगभग 1000 सैनिक बचे थे, और उनके जनरल चार्ल्स डी गाल, ठीक है, वो बचे थे, और ये लोग भाग के लंदन पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने फ्रांस की एक निर्वाचित सरकार, निर्वासित एक्साइल गवर्नमेंट, जो कि देश में ना हो, देश के बाहर, किसी देश के बाहर जब किसी सरकार का निर्माण किया जाए तो वो निर्वासित सरकार एक्साइल गवर्नमेंट कहलाती है। तो वैसा हो गया था, तो यानी एक तरह की गवर्नमेंट, यानी अब अगर वहां पर किसी को कुछ बातचीत करनी है फ्रांस के लिए, तो उस तरह की गवर्नमेंट कहां पे बनी हुई थी, लंदन, और यहां पर जर्मनी का कब्जा। और हिटलर ने क्या किया, जो मार्शल पेटा थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, ठीक है, मार्शल पेटा जो थे जिन्होंने साथ दिया था, उनके अंडर में वहां पर गवर्नमेंट बना दी थी, और वो पूरी तरह से एक पपेट गवर्नमेंट थी, किसके लिए, हिटलर के लिए, वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बना दी थी। तो यूएसए अभी तक उतरा नहीं था, ठीक है, और ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं जून 1940, ठीक है, जून 1940 तक फ्रांस भी इनके कब्जे में आ गया, ठीक है, इतना समय हो गया और अभी जर्मनी ही लगातार जीत रहा है, देख लीजिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए हेल्प कर रहा है ब्रिटेन की और फ्रांस की। अब फ्रांस तो हार गया, अब क्या बचा, ब्रिटेन बचेगा। तो ये हेल्प कैसे कर रहा था, अभी तक शुरुआत में इसने
एक सिस्टम चला रखा था। सिस्टम क्या, वही नगद भुगतान प्रणाली जिसको कैश। शुरुआत में जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस को जो भी आर्म्स दे रहा था या जो भी खाने पीने का फूड वगैरह दे रहा था वो कैश पे दे रहा था, सीधे कैश, एक हाथ दे एक हाथ ले। शुरुआत में इसने इस तरीके से यहाँ पर हेल्प करी, लेकिन तुरंत एक हाथ दे एक हाथ ले वाला, एक सेकेंड, कैश वाला था उनका, एक सेकेंड। तो अभी जो चल रहा था उसको बोला इन्होंने नगद भुगतान प्रणाली। शुरुआत में ब्रिटेन की हेल्प और फ्रांस की हेल्प हो रही थी कैश सिस्टम से, कैश पेमेंट। जैसे आज बहुत जगह जाओ कार्ड लेकर, नहीं भैया कैश पेमेंट होगा, तो वैसे शुरुआत में हेल्प करी जब, तो इन्होंने कैश पेमेंट। लेकिन फिर पैसा खत्म होने लगा ब्रिटेन के पास, तो मार्च 1941 इन्होंने शुरू किया उधार पट्टा प्रणाली, उधार पे देना, उधार। ये कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए बताया दे रहे हैं आप, उधार पट्टा प्रणाली। ठीक है, यानी जो हेल्प कर रहे थे, आर्म्स वगैरह दे रहे थे, वो उधार पट्टा प्रणाली पे शुरू किया। ये है आपका लैंड लीज एग्रीमेंट, लैंडिंग पे, लैंड लीज एग्रीमेंट। इसमें कुछ नहीं है, आप अभी ले लीजिए, एक एग्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है, और बाद में आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा। इसका मतलब यही है कि अभी जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ब्रिटेन क्या है, ये जो उधार ले रहा, उधार यानी वही लेंडिंग पे ले रहा है, उधार पट्टा प्रणाली पे पहले कैश पे दे रहा था। सोचिए शुरुआत करी तो कैश पे दे रहा था यूएसए, यानी उसको अपनी इकोनॉमी से लेना देना था, और वो उतरा भी जापान की हरकत की वजह से, वरना वो उतरने वाला भी नहीं था, वो शायद इसमें ना उतरता, लेकिन जापान ने जो हमला किया उसकी वजह से उतरा। तो शुरुआत में फिर से इनका बहुत प्रॉफिट हो रहा था, पहले तो कैश पेमेंट से ही हुए जो आर्म्स डीलिंग कर रहे थे वहां पे, या फिर फूड सप्लाई भी करी, ठीक है, फूड सप्लाई भी करी, आर्म्स डीलिंग भी करी। अरे उसमें बहुत यूनिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, ये सारी सप्लाई कर रहे थे लोग, जितना भी इक्विपमेंट होता था वो सप्लाई कर रहे थे। शुरुआत में कैश पेमेंट था, और 1941 से फिर इन्होंने लैंड लीज एग्रीमेंट शुरू कर दिया, ठीक है, उधार पट्टा प्रणाली। और ये था कि जब युद्ध खत्म होगा तो ब्रिटेन पैसा वापस कर देगा, ठीक है। अब जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस पे कब्जा कर लिया, सबसे लास्ट में अभी फ्रांस पे कब्जा किया। यूरोप में आप कुछ बच, यूरोप में ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है, वो तो बिल्कुल अलग है। अगर लैंड लॉक कंट्री की बात करी जाए तो फ्रांस को उसने अपने कब्जे पे ले लिया, ठीक है, और इटली इनकी तरफ हो गया, ये है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुलाई सितंबर 1940, जून में कब्जा किया था फ्रांस पे, फ्रांस में इन्होंने कब कब्जा किया, इधर देखिए हमने बताया है जून में, ठीक है, जून 1940 हमने ऊपर लिखवाया हुआ है, हाँ जून 1940। जुलाई में इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पे जो है अटैक करने का प्लान बनाया। जुलाई 1940 में जर्मनी ने अब सोचा कि ब्रिटेन पर ही अटैक किया जाए, ठीक है, और इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था सी लॉयन, सी लॉयन यानी समुद्री सिंह, भाई हिंदी में लिखते हैं। इन्होंने ऑपरेशन एक चलाया सी लॉयन, और उसमें था कि हम अपने एयरक्राफ्ट, जो हमारे बैटल एयरक्राफ्ट है उनका यूज करेंगे, और ब्रिटेन के जो भी क्या बोलेंगे इसको, वायु सैनिक अड्डे, ठीक है, जो एयर क्राफ्ट का इनका वो है बेस,
एयरबेस जो है उनको हम नष्ट कर देंगे, ठीक है, इन्होंने, और जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। तो फ्रांस के बाद अब किसका नंबर आया, ब्रिटेन का। और सोचिए ब्रिटेन ये हार भी जाता, ठीक है, ब्रिटेन ये हार भी जाता, जबरदस्त बमबारी हो रही थी, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्होंने अपने भाषणों से जो है सेना को और सभी को एक मोराल दे रखा था। और उस समय के जो बहुत सारे भाषण, जैसे हमारे यहाँ पर भी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था ना, तो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत शानदार शानदार स्पीचेस दी थी, ठीक है, उन स्पीचेस की वजह से ये हुआ था कि लोगों ने अपने गहने तक सरकार को दे दिए युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे शानदार स्पीच की वजह से लोग कोविड में डोनेशन कर रहे थे, शानदार स्पीच की वजह से कोविड में डोनेशन किया लोगों ने, और जिन्होंने नहीं किया उनसे जबरन भी ले लिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, ठीक है, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जो स्पीचेस दी थी उसकी वजह से लोगों ने अपने गहने तक जो है भारत सरकार को दे दिए। तो महिलाओं ने सोची, सबसे ज्यादा वो प्यार किससे करती हैं, अपने गोल्ड से। तो वैसे ही यहाँ हुआ, जब ब्रिटेन पर हमला हुआ तो शुरुआत में ब्रिटेन हारने लगा था, उसके जो वहां पर जो ब्रिटेन ब्रिटिश नागरिक थे और ब्रिटिश सेना थी, ठीक है, उनपे मतलब उनका मोराल डाउन हो गया, उनका नैतिक बल जो है जिसको मोराल बोलते हैं वो डाउन होने लगा, ठीक है। और उस समय फिर वहां पर उनके प्रधानमंत्री ने बहुत शानदार शानदार भाषण दिए, स्पीचेस दी, और स्पीचेस में कैसे बोला, देखिए हिंदी में बताते हैं फिर इंग्लिश में लिखवा देंगे। एक बार उन्होंने स्पीच दी कि इस समय मेरे पास मेरे देश के भाइयों को देने के लिए रक्त, कठोर श्रम, आंसू और पसीने के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ब्लड है, लेबर है, ठीक है, स्वेटिंग है, यही हम अपने देशवासियों को दे सकते हैं, और हमें नाजियों के खिलाफ हर हाल में लड़ाई जारी रखनी है। क्यों? क्योंकि हम उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं, क्योंकि हम उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को अंत तक जारी रखेंगे। हम फ्रांस में भी लड़ेंगे, सागरों में भी लड़ेंगे, महासागरों में जाकर लड़ाई करेंगे, हम आसमान से भी लड़ाई करेंगे, और हम अपने द्वीपों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आइलैंड कंट्री था, हम अपने द्वीपों की रक्षा करेंगे चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम समुद्र तट पर लड़ाई करेंगे, हम हवाई अड्डों पर लड़ाई करेंगे, हम खेतों में लड़ाई करेंगे, हम सड़कों पर लड़ाई करेंगे, हम पहाड़ों पर लड़ेंगे, लेकिन कभी भी सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारी स्पीचेस वहां के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दी थी, इस तरह की स्पीचेस दी, तब जो है मोराल जो है बढ़ा, और फिर इन लोगों ने बहुत जबरदस्त रिट्रीट किया, और जर्मनी को वहां पर फिर जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, यानी जर्मनी वहां से हट गया। ये था, वरना यहां पर अगर जर्मनी का ये ऑपरेशन सी लॉयन ये भी अगर जो है सक्सेसफुल हो जाता तो फिर जर्मनी के लिए, जर्मनी को हराना फिर मुश्किल हो जाता, और उसकी वजह से जो भी हमले जर्मनी ने शुरू किए थे वो नवंबर तक आते आते उसने फिर बंद कर दिया, नवंबर 1940। तो जुलाई में किस पे हमला कर दिया इन्होंने, ब्रिटेन पे, और ब्रिटेन आइलैंड कंट्री, ठीक है, और इसी, और पहुंच गए थे ना, देखो कहां तक पहुंच गए, फ्रांस को आप देखिए मैप में देखिए, ब्रिटेन ज्यादा दूरी पे थोड़ी ना था, हमने अभी आपको जो मैप दिखाया है, फिर जब फ्रांस पे कब्जा हो गया तो ज्यादा दूरी थोड़ी थी, देखिए आपको दिखाते हैं, अभी हमने दिखाया है, देखिए यहां तक पहुंच गए, अब यहां से कितनी दूरी बची, थोड़ी दूरी बची थी, आसानी से हमला यहां से कर रहे होते थोड़ा ज्यादा दूर था, तो अब तो ये पूरा एरिया इनके अंडर में आ गया ना, ये सब किसके अंडर में आया, ये सब जर्मनी का हो गया, ठीक है, इधर नॉर्वे भी जर्मनी का हो गया था, इतना सब जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया था, ये देखिए, तो आसानी से हमला कर दिया था, और इसी वजह से ब्रिटेन शुरू में हारने लगा, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने फिर शानदार भाषणबाजी करी और लोगों में
जोश जगाया, सेना में जोश जगाया, लोगों में जोश जगाया, और तब जाकर किसी तरीके से फिर वहां पर हमले को रोका गया और जर्मन्स वहां पर एक तरह से वापस लौट आए, क्योंकि वहां पर सेना लेकर थोड़ी ना गए थे, यहां पर जितने भी हमले हो रहे थे सब हवाई हमले हो रहे थे, सब एयरफोर्स के ही अटैक थे। क्यों? क्योंकि आइलैंड है यहाँ पे, बीच में देख रहे हैं समंदर है, तो सारे अटैक ही जो हो रहे थे वो सब एयर स्पेस मतलब एयरक्राफ्ट वाले हमले हो रहे थे। ठीक है, सारे जो है लड़ाकू विमान से हमले हो रहे थे। लंदन पे हमला किया था सीधे जाकर, ये दिख रहा है लंदन आपको, सीधे लंदन पे जाके हमला किया था और लोग परेशान हो गए थे, और लंदन में ही फ्रांस की जो सेना भाग कर गई थी वो भी वहीं रह रही थी। तो सोचिए ब्रिटेन को किसी तरीके से जो है ब्रिटेन ने इस आक्रमण को रोक दिया। ठीक है, अब ये तो यूरोप की लड़ाई होगी। ठीक है, ये तो यूरोप की लड़ाई हो गई। अब तक इटली यहां पर शामिल हो चुका था, जैसे ही फ्रांस आया हमने बताया इटली शामिल हो चुका था, और इटली का मेन काम किधर था? अफ्रीका की तरफ। आप लोग को याद ही होगा इटली जो है मेनली किधर देख रहा है? अफ्रीका की तरफ। तो दूसरी तरफ अब इटली ने काम शुरू कर दिया, उसने अफ्रीका में जो भी ब्रिटेन और दूसरे देशों के अमेरिका के कॉलोनीज थी वहां पर आक्रमण शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ क्या शुरू होगा? लड़ाई शुरू करी किसने? इटली ने, इटली यानी मुसोलिनी। अब ये भी उतर चुके थे युद्ध में फ्रांस के हारने के बाद। ठीक है, अब ये उतर चुके थे, तो उधर तो सब जर्मनी ने जीत लिया यूरोप में, ये इधर की तरफ आ गए अफ्रीका वाले रीजन में, इन्होंने अफ्रीका में अटैक शुरू कर दिया, अफ्रीका में शुरू कर दिया अटैक। और शुरुआत कहां से करी? यूनान और मिस्र, यूनान और मिस्र यानी ग्रीस और इजिप्ट। सबसे पहले इटली ने जो है सितंबर 1940, ठीक है डेट बाद में फिर लिखवा दी जाएंगी, ज्यादा इस पर टेंशन मत लीजिए, सितंबर 1940 हम इसलिए बताते चल रहे हैं कि बाद में लिखवाएंगे। सितंबर 1940 में अब इटली जब शामिल हो गया, ठीक है जुलाई 1940 में शामिल हो गया था, तो जब इटली शामिल हो गया तो मुसोलिनी ने अब अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया, और उसने सबसे पहले नीचे अफ्रीका की तरफ आना शुरू किया। उधर इटली के बगल में ही क्या है? ग्रीस है, तो सबसे पहले ग्रीस को जीता, और फिर जो आपका इजिप्ट यानी मिस्र इसको जीत लिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पर इन्होंने आक्रमण किया, इनको बहुत बुरी तरीके से बाद में हारना भी पड़ा। पहले ये जीत गए, लेकिन बाद में इटली की सेना को इन्होंने भी हरा दिया, ग्रीस की सेना ने बाद में हरा दिया, इसने ग्रीस यानी क्या बोलेंगे यूनान, यूनानी सेना ने हराया, और इधर इजिप्ट में थी सेना किसकी? इजिप्ट उस समय किसके? हाँ ब्रिटेन के कंट्रोल में था, यहां पर ब्रिटिश सैनिकों ने शुरुआत में जीतते चले गए, अटैक किया इन्होंने किस पे? ग्रीस पे और इजिप्ट पे। किसने? मुसोलिनी ने। ठीक है, अब उधर हिटलर का थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो ब्रिटेन से वहां पर रह गए। इधर अब इटली ने काम शुरू किया अपना एम्पायर बढ़ाने का, उसने सबसे पहले यूनान और मिस्र पे हमला किया यानी ग्रीस और इजिप्ट पे। ठीक है, जीतने वाले थे लेकिन ग्रीस की सेना ने जबरदस्त टक्कर दी और इनको हरा दिया, हरा दिया, जो आपके मुसोलिनी थे वो हार गए। ठीक है, और दूसरी तरफ इजिप्ट जो उस समय कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उन्होंने भी जबरदस्त टक्कर दी और भगा दिया वहां से, मुसोलिनी को भगा दिया। सोचिए सितंबर 1940 में गए थे ये, ठीक है, और इनको वहां से भगाया गया, ये नहीं जीत पाए, लेकिन तब तक इनकी हेल्प करने के लिए, यही गड़बड़ी हो गई, इनकी हेल्प करने के लिए हिटलर ने अपनी सेना भेज दी, और उस समय माना जा रहा था कि जर्मन सेना को कोई नहीं हरा सकता, इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी मुसोलिनी की हेल्प के लिए, क्योंकि दोनों में आपस में अब ट्रीटी हो चुकी थी, और
इसकी इन्होंने अपनी सेना उतारी कहां पर? उतारी लीबिया में, लीबिया, लीबिया भी है अफ्रीका में, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर की तरफ ही है, देखा है, याद आ रहा है लीबिया किसी को? यस सर। ठीक है, तो इन्होंने अपनी सेना लीबिया में उतारी और इस सेना का नाम इन्होंने रखा अफ्रीका कॉप्स, अफ्रीका कॉप्स, हिटलर ने इसका नाम रखा था अफ्रीका कॉप्स। और जब इसने हेल्प करी मुसोलिनी की, अब हिटलर और मुसोलिनी एक साथ हो गए यहां पर, ठीक है, तब जो है तब थोड़ा सा इजिप्ट में जो सेना थी ब्रिटेन की उनको पीछे हटना पड़ा, मतलब वो हारने लगे, ठीक है, वो हारने लगे और पीछे हटने लगे। और इन क्षेत्रों पर हिटलर और मुसोलिनी, यानी शुरू में मुसोलिनी अगर अकेले जाता तो हार गया था, सोचिए, ठीक है, वो ग्रीस से भी हार गया और इटली, क्या क्या नाम है उसका आपका, इजिप्ट, यानी ये हिंदी में थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, ग्रीस और इजिप्ट यानी यूनान और मिस्र दोनों से हार गया। तब उसकी हेल्प करी हिटलर ने और हिटलर ने अपनी सेना उतारी लीबिया में, याद रखिएगा लीबिया, ठीक है, और उस सेना का नाम उन्होंने रखा था अफ्रीका कॉप्स, हिटलर की सेना का नाम था अफ्रीका कॉप्स और ये उसने लीबिया में उतारी थी फेब 1941। और जब फिर इसकी सेना ने मिलकर आक्रमण किया तब जो है फिर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो पीछे हट गई, ठीक है, ये चीज थी। फिर एक घटना और देखते हैं, अभी तक क्या है, अभी तक यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन, ठीक है, ये किधर से लड़ाई कर रहा है? ये लड़ाई कर रहा है जर्मनी की तरफ से और अभी तक यूएसए भी बाहर है, ठीक है, ये भी अभी बाहर है, लेकिन जुलाई सितंबर 1941, ठीक है, जुलाई से सितंबर 1941, इसी दौरान अब घटनाएं घटेंगी जिसकी वजह से जो रशिया है यानी स्टालिन साहब ये और इधर यूएसए, ये दोनों अब शामिल हो जाएंगे किस तरफ, ये रशिया तो युद्ध में था ही पहले से, ये दोनों अब आ जाएंगे एलाइड पावर की तरफ। जुलाई से सितंबर के बीच में अब जो घटनाएं घटने जा रही हैं उसकी वजह से क्या होगा कि आपका सोवियत संघ और अमेरिका ये अब मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे। घटना क्या है देखते हैं, रियलिटी में जो हिटलर ने संधि करी थी, हिटलर ने ट्रीटी करी थी किसके साथ, स्टालिन के साथ, वो सिर्फ स्टालिन को कुछ दिन के लिए रोकने के लिए, जब तक वो बाकी फ्रांस वगैरह और ब्रिटेन पे कब्जा ना कर ले तो उसको डर था कहीं ऐसा होना और रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह इनके साथ शामिल हो जाए, तो उसने सिर्फ स्टालिन को मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है, यानी स्टालिन को सिर्फ, एक सेकेंड, स्टालिन को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए उसने ये ट्रीटी करी थी, क्योंकि उसका ये था कि आगे चलकर मुझे रशिया का भी जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है यानी हमारे जो ईस्ट में पड़ेगा उसको जीतना है, ठीक है, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया, स्टालिन को लगा ठीक है। स्टालिन क्या चाह रहे थे, रशिया जो चाह रहा था ना वो देखो पोलैंड वाला रीजन उसको मिल गया था, पोलैंड के अलावा नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री थे वहां पर भी वो क्या चाह रहा था, अपना आधिपत्य यानी एक तरह से जो है उन क्षेत्रों को जीतना चाह रहा था, इसीलिए स्टालिन ने भी हेल्प करी थी हिटलर की। स्टालिन को एक था ना कि पोलैंड उनके हाथ से चला गया था, बाकी लिथुआनिया लाटविया, नाम याद आ रहे, लिथुआनिया लाटविया ये सब देश भी उनके हाथ से चले गए थे, तो ये अब इन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना चाह रहे थे, कौन, स्टालिन साहब यानी कि रशिया। इसी वजह से इन्होंने किसके साथ संधि कर ली थी, इन्होंने ट्रीटी कर ली थी हिटलर के साथ,
और पोलैंड जब ये लोग जीते, जर्मनी की सेनाओं ने जब पोलैंड को जीता तो बांट लिया आपस में, उसमें से यूएसएसआर को भी कुछ पार्ट दे दिया। तो स्टालिन को लगा ये तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उनको मूर्ख बनाने के लिए था। 22 जून 1941, 1941 उधर अफ्रीका की लड़ाई, वहां पर अभी रोक के चले आए, ठीक है, अभी एक साथ सब लेते हुए चलना हमको। 22 जून 1941 जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर ही हमला कर दिया, सोवियत संघ पर हमला कर दिया बिना किसी रीजन के, बिना कुछ बताए, बिना किसी रीजन के इन्होंने हमला कर दिया, ठीक है। और इनके बीच में जो नॉन एग्रेशन पैक्ट था वो टूट गया। और देखो रशिया को तो पता ही नहीं था कि जर्मनी इस पे हमला कर देगा, ठीक है। ये जो इन्होंने क्विक अटैक किया था ना, एक बहुत तेजी से जो क्विक अटैक किया है, इसकी वजह से तैयार ही नहीं था, यूएसएसआर को लगा ही नहीं था कि ये इनके ऊपर आक्रमण कर देगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब जून में आक्रमण किया और दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते जर्मनी ने लगभग 5 लाख माइल एरिया भी कवर कर लिया और लगभग 5 लाख नाग जो है सोवियत नागरिकों की हत्या भी कर दी। सोचिए, छोटा मोटा लेवल पर नहीं, इसीलिए हिटलर को सब डरते हैं, नागरिकों की हत्या करने में बहुत तेज था। इसने 5, क्यों? क्योंकि इसको जर्मन्स को वहां पर बसाना था ना, तो इसने लगभग 5 लाख नागरिकों की भी हत्या कर दी, 5 लाख नागरिकों। और जब तक कुछ संभल पाते स्टालिन, तो स्टालिन ग्रेड तक ये पहुंच गया। स्टालिन जब तक कुछ समझ पाते तब तक जो है ये स्टालिन ग्रेड जो वहां पर उस समय कैपिटल इन्होंने बना रखी थी मॉस्को के इधर साउथ में, मॉस्को से साउथ में एक जगह है स्टालिन ग्रेड, ठीक है, उसको इन्होंने कैपिटल बना रखी थी, ये वहां तक पहुंच गया था। और जब इतना सब हो गया तो इन्होंने फिर रशिया ने हेल्प मांगी किससे? ब्रिटेन से। अब इन्होंने ब्रिटेन से हेल्प मांगी तो यूएसएसआर अभी लड़ अभी तक किसकी तरफ से लड़ रहा था? वो था आपका सेंट्रल पावर की तरफ से, जर्मनी की तरफ से। लेकिन जब जर्मनी ने ही उस पे हमला कर दिया तो इन्होंने फिर हेल्प मांगी ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन ने बोला ठीक है, चलिए एक एग्रीमेंट करते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो क्विक अटैक था, इस क्विक अटैक की वजह से जर्मनी वो सोवियत रशिया का बहुत सारा पार्ट जर्मनी ने जीत लिया, लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स, 5 लाख स्क्वायर मीटर का क्षेत्र इन्होंने जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया था। और ये लोग पहुंच गए थे कहां? स्टालिन ग्रेड। स्टालिन स्टालिन के नाम पर ये देख लीजिए, स्टालिन ग्रेड ये शहर है, आप देख लीजिएगा मॉस्को में नीचे साउथ की तरफ, वहां तक ये पहुंच गए, ठीक है। और उसकी बाद ही फिर क्या है, आपका ये रशिया की तरफ हो गया, वो इस तरफ आ गया, ठीक है, रशिया तो आ गया अब इस तरफ। अब बचा है आपका कौन? अमेरिका। अब अमेरिका को भी युद्ध में उतरना है। अभी तक अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका सिर्फ जो है वेपन्स की सप्लाई, आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई कर रहा था, फूड सप्लाई कर रहा था, यूनिफॉर्म सप्लाई कर रहा था और जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा था, जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा था, जैसा कि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं कंपैरिजन? ठीक है, ध्यान से स्टोरी सुनिएगा, अभी खत्म हो जाएगी तो लिखाते समय एक एक चीज फिर से बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ा होता तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाती। तो अमेरिका को अब युद्ध में आना पड़ा, क्यों? क्योंकि आप यूएसए को देखेंगे, यूएसए का ये आपका जैसे यूएसए है, ठीक है, और यूएसए के वेस्ट में है आपका ये जापान। देखिए मैप में नहीं दिखेगा इस तरीके से, मैप में, क्योंकि मैप ऐसे यहां से काट के बनाया जाता है, ठीक है, मैप में क्या है, मैप को यहां से कट कर दिया जाता है
उसके से जापान इस तरफ दिखाई देगा और यूएसए आपका इस तरफ दिखाई देता है, ऐसा ही होता है ना। ये बीच में आपका क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ऐसा ही कुछ दिखता है कि नहीं दिखता आप लोग को? यूएसए और जापान के बीच में दूरी बहुत कम है, अगर उसको आप उस ग्लोब पे देखें तो समझ में आएगा। तो अगर जापान को आक्रमण करना है तो वो वेस्ट की तरफ से जाके नहीं आक्रमण करेगा, वो ईस्ट की तरफ से जाएगा यूएसए पे आक्रमण करने के लिए। और यूएसए को अगर जापान पे आप अटैक करना है तो इधर से नहीं कि यूरोप के ऊपर से होते हुए जाएगा जापान के पास, वो वेस्ट की तरफ जाएगा। ये पता है ना मैप के बारे में, तो इतना तो पता है ना कि ये यूएसए है, यूएसए के वेस्ट में है आपका जापान और ये जापान के ईस्ट में है आपका यूएसए, और बीच में जो ओशन है वो है आपका पैसिफिक ओशन। नहीं तो मैप में दिखा देते हैं, देखें शायद हल्का सा मैप भी देख लेते हैं कहीं पड़ा होगा। ये देखिए मैप में क्या लग रहा है, ये आपका इस तरफ है जापान, ठीक है, कलर चेंज करें तो दिखाई देगा आपको। ये देखिए जापान, ठीक है, ये जापान है, ये यूएसए है, और सब लोग मैप इस तरह से देखते हैं तो सबको लगता है कि जब कभी अटैक करना होगा तो यूएसए ऐसे जाएगा अटैक करने के लिए, ऐसा तो नहीं आता आप लोग के दिमाग में? ऐसा तो नहीं आता, बताइए कैसा लगता है? सब पहले आता था तो उस पे अटैक करने के लिए उसको उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ये है पीछे, ये जुड़ा हुआ है ना पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो जो आपका जापान है उसके ईस्ट में आपका यूएसए पड़ता है और यूएसए के वेस्ट में आपका जापान पड़ता है, और यहाँ पर बीच में है आपका एक हवाई आइलैंड बताया था हमने, और हवाई आइलैंड में क्या बनाया था, पर्ल हार्बर, याद आ रहा है? ठीक है, तो जापान ने उसी पर हमला किया था, लेकिन कैसे हमला किया हम देखते हैं। तो पैसिफिक ओशियन में जो यहाँ पर इनका एक नेवी बेस था, यूएसए का एक नेवी बेस, हमने बताया था जब यूएसए अपना एम्पायर बढ़ा रहा था, जो क्वाशी इंपीरियलिज्म था, याद आ रहा होगा, तब उसने यहाँ पर पर्ल हार्बर नेवी बेस बनाया था, हवाई आइलैंड मैंने लिखवाया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनको उकसाने का, यूएसए को मतलब लाने का काम किसने किया, वो किया था जापान ने। तो वो कैसे आया वो देखते हैं। इस बार जापान सेंट्रल पावर की तरफ था, पिछली बार एलाइट की तरफ था, इस बार जापान सेंट्रल पावर की तरफ था, ठीक है। और इसकी वजह से ये आपका जापान, जापान यानी कि हिंदी, और ये आपका यूएसए, ठीक है, और बीच में है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और यहीं पर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है हवाई आइलैंड के पास, उसका नाम है पर्ल हार्बर। ये है इनका नेवी बेस, इन्होंने स्टेब्लिश कर रखा था, नेवी बेस इन्होंने स्टेब्लिश कर रखा था यहाँ पे। तो इनके बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी, टेंशन का कारण क्या था कि चीन और जापान के बीच में वॉर छिड़ा हुआ था, जापान ने जो है दोबारा आक्रमण कर दिया था चाइना के ऊपर, ठीक है, अपने क्षेत्रों को जीतने के लिए जापान ने इधर चाइना पर फिर से अटैक कर दिया था, ठीक है। मैप में देख सकते हैं, अभी हमने मैप भेजा है आप लोग को जापानीज वाला, दिखाते हैं। जापान ने
फिर से किन किन क्षेत्रों को जीता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है सभी को, ठीक है। ये देखिए जापान है आपका, छोटा सा ये है जापान, ठीक है। उसने चाइना का देखिए इधर, ये मंगोलिया, जापान ऊपर कहाँ से आ गया, रुकिए एक सेकेंड, ठीक है। इसका वॉर चल रहा था चाइना के साथ, ठीक है, यानी जापान और चाइना के बीच में वॉर चल रहा था, जापान और चाइनीज वॉर चल रहा था, उसमें भी जापान ही जीत रहा था और चाइना को हेल्प कर रहा था यूएसए इसी बीच, ठीक है। चाइना को हेल्प कर रहा था यूएसए, तो जापान वर्सेस चाइना वॉर हो रहा था, चाइना को हेल्प कर रहा था यूएसए, चाइना की हेल्प कर रहा था यूएसए, ठीक है। और उधर हमने बताया था कि फ्रांस में जो है जर्मनी ने फ्रांस में उसको जीत लिया था और वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बना दी थी, ठीक है। वहां पर उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट बना दी थी जो मार्शल थे पेंटो, ठीक है, इनका अभी हम बताएंगे, पपेट गवर्नमेंट बना दी थी वहां पर। और यहां पर फ्रांस का बहुत सारा रीजन था आपका, ये थाईलैंड वाले रीजन में इन्होंने अपना यहाँ पे कॉलोनीज बना रखी थी, किसकी थी, ये फ्रांस की, ठीक है। ये इंडो चाइना रीजन कहलाता है, आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये इंडो चाइना रीजन ये किसके अंडर में था, फ्रांस के अंडर में, फ्रांस हार चुका था, ठीक है, और फ्रांस जर्मनी के कब्जे में था और फ्रांस में उस समय पपेट गवर्नमेंट थी। तो जापान ने जर्मनी से बोला और उसने उस पपेट गवर्नमेंट से बोला कि आप इंडो चाइना का अपना रीजन से हट जाइए, ये वाला जो वियतनाम वगैरह के पास में यहाँ पे है, इन्होंने बोला कि आप यहाँ से हट जाओ, इसको बोला जाता है इंडो चाइना रीजन, हिंद चीन क्षेत्र, ठीक है। तो ये यहां से हट गया, ठीक है, और ये सारा का सारा रीजन भी जापान को मिल गया। तो देखिए जापान के उसमें अंडर में ये आ गया सबसे पहले, ठीक है। फिर इसने सोचिए इन्हीं को नहीं हराया, इसने जो है अमेरिका का जो यहाँ पर क्षेत्र था, ठीक है, अमेरिका का ये आपको दिखेगा, ये गुआम ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब अमेरिका के थे, अमेरिका को भी यहां से हटा दिया, अमेरिका को भी यहां से हटा दिया, सोचिए, ठीक है। और हाँ हाँ पूछिए, क्लास लीव करने पड़ रही, कॉलेज जाना पड़ रहा है। ठीक ठीक है कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हाँ ठीक है, देख लीजिएगा बस ये, ठीक है। तो सोचो इंडो चाइना का रीजन जापान के पास में आ गया, यहां पर सोचो अमेरिका का कुछ क्षेत्र जैसे गुआम दिख रहा है आपको, ये सब जो है अमेरिका के क्षेत्र थे, इन सबको भी इसने जीत लिया और इस पूरे रीजन पे इसका कब्जा हो गया। ये देखिए इस पूरे रीजन पे इसका कब्जा हो गया, ठीक है। और अभी तक जो यहाँ के जापान के प्रधानमंत्री थे वो थे मिस्टर कोनोए, ठीक है, अभी स्पेलिंग भी लिखवा देंगे, हिंदी में लिखिए मिस्टर कोनोए, लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी मीटिंग हुई अमेरिका के राष्ट्रपति, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इनके बीच में एक मीटिंग भी हुई, लेकिन वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही। और इसी बीच क्या हुआ, अक्टूबर 1941 ये जो थे कोनोए साहब ये हट गए, और इनकी जगह पर जो नए प्रधानमंत्री आए वो सेना के जनरल थे। आप सोच रहे हैं, अब सेना का कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर क्या होने वाला है, आप समझ ही सकते हैं। तो नए जो है प्रधानमंत्री बने जापान में अक्टूबर 1941 में, वो थे जनरल तोजो, जनरल तोजो, ठीक है, जापानीज वर्ड है, इसमें टी टो अलग है, जो अलग है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बन गए और इन्होंने फिर अमेरिका के खिलाफ अटैकिंग स्ट्रेटजी शुरू करी, जैसे ही ये बने, अक्टूबर 1941 की बात कर रहे हैं हम,
उसके पहले इतना नहीं था, उसके इसके बाद जैसे ही ये नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और ये सेना के प्रमुख थे जनरल तोजो, और इन्होंने फिर अटैकिंग स्ट्रेटजी अपनानी शुरू कर दी, किसके खिलाफ, यूएसए के खिलाफ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएसए का पैसिफिक ओशियन में जो उनका नेवी बेस था, पैसिफिक ओशियन में हवाई आइलैंड का जो इनका नेवी बेस पर्ल हार्बर, इसमें मूवी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कभी भी, पर्ल हार्बर, ठीक है, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया जापान ने 7 दिसंबर 1941, ये डेट याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1941, जो नए प्रधानमंत्री जापान में बने जनरल तोजो, ठीक है, ऐसे हैं तो जो करके भी लिखा हुआ मिलेगा और तो जो करके भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे उनका नाम है अभी, इसलिए ये जब बने तो ये जनरल थे, और इन्होंने फिर अटैकिंग स्ट्रेटजी अपनाई अगेंस्ट यूएसए, और इनको लगा कि अब इनको लगा कि हम चाइना को हरा रहे हैं, सबको हरा रहे हैं, और हमारे साथ जर्मनी भी है, इनको लगा कि अब अमेरिका पे भी अटैक कर देते हैं, और इन्होंने पैसिफिक ओशियन में हवाई आइलैंड में जो उनका पर्ल हार्बर नेवी बेस था यूएसए का, उस पर अटैक कर दिया। अच्छा, बड़ी बात यह थी कि यूएसए को लग ही नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि यूएसए को था कि इन लोग की लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस है, तो वहां पर कुछ आइलैंड जो है ब्रिटेन और फ्रांस के भी, तो यूएस अब उधर से जब इनके एयरक्राफ्ट आ रहे थे इसके जापान के, तो यूएसए को लगा कि हम पे अटैक नहीं करेंगे, ये जो छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर ब्रिटेन के और फ्रांस के हैं, ये लोग उस पे अटैक करेंगे, यहाँ पर ये भूल गए, इनको ये, वरना ये शायद तुरंत रिट्रीट करते, इनको अंदेशा ही नहीं था, यूएसए को लगा ही नहीं था कि जापान इन पे अटैक करेगा, सबसे बड़ी चीज ये थी। अगर उसको हल्का सा भी पता चल जाता तो वो अपने, उसका नेवी बेस था, सबसे बड़ा नेवी बेस है उसका, तो वहां पर सबको तैयार करके रखता, उनको लगा ही नहीं था कि उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। और 7 दिसंबर 1941 जापान ने एयर, उनके एयर बेस पे हमला कर दिया, नेवी बेस पे एयरक्राफ्ट से हमला कर दिया, पनडुब्बियां बहुत सारी डूब गई, ठीक है, और सारा वहां पर उनका जितना भी आर्मी का पूरा बेस बना हुआ था वो पूरा नष्ट कर दिया, किसमें, पर्ल हार्बर पर। और इसके बाद यूएसए ने फिर जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया 9 तारीख को, अगले 9 दिसंबर जो सीनेट थी वहां की, राज्यसभा यानी अपर हाउस, उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट जापान, और अमेरिका भी उतर आया युद्ध में। और जैसे ही अमेरिका युद्ध में उतरा, ठीक है, तो वैसे ही ये युद्ध क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर। अब पूरे सब के सब देश लगभग इसमें उतर आए, ठीक है, और अब ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो चुका था। और जब तक अमेरिका नहीं उतरा था तभी तक चीजें अच्छी थी, अमेरिका के उतरते ही अब जी शुरुआत में अब चीजें जो हैं बदलना शुरू हो जाएंगी। तो अब देखते हैं आगे 1941-42, अमेरिका भी आ चुका है 1941-42, 1941-42, शुरुआत में किसके डायरेक्शन में जा रहा था, वो जा रहा था सेंट्रल पावर, धुरी राष्ट्र, क्योंकि सब बहुत पावरफुल थे, सच बताएं तो वाकई में सब पावरफुल थे, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, ये सब बहुत पावरफुल थे, बस ये दुष्ट राष्ट्र थे, एक तरह से बोला जाए कि मतलब गलत चीजों के लिए काम कर रहे थे, वरना पावरफुल ये बहुत ज्यादा थे। और इन्हीं का जो है एक तरह से पलड़ा भारी नहीं होता, कहते हैं कि शुरुआत में जो वॉर है इन्हीं के डायरेक्शन में जा रहा था, वो इन्हीं का था, ठीक है। और जापान ने तो और क्या किया, देखिए पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, यूएसए ने सिर्फ वॉर डिक्लेयर किया, ठीक है, लेकिन अभी भी यूएसए जापान को हरा नहीं पा रहा था,
और इसका नतीजा ये हुआ कि जापान ने ब्रिटेन से, ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं जो आपकी, क्या है उसकी कॉलोनीज, मलेशिया और सिंगापुर, जो अभी हमने दिखाया था नीचे मैप उसी में देखिए, मलेशिया और सिंगापुर, इसको भी अपने अंडर में ले लिया। देखिए मैप में पहुंचते हैं पर, इसको बताते हैं आपको तो ज्यादा अच्छा है कहाँ गया जी। मैप जी ये देखिए, मलेशिया, ये मलाया लिखा है 1942, नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, एक सेकंड ये कहाँ गया वो? ये जापान ने जो जो जीता है उसको हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। मैप जब फिर से रिवाइज करिएगा तो मैप खोल लीजिएगा। ये नीचे मलेशिया देखिए, मलाया आइलैंड नीचे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिखाई दिया सबको ये, इसको इसको ब्रिटेन जीत लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जापानी सेना कहाँ पहुंच गई, बर्मा को जीत के भारत बॉर्डर में। और इनकी हेल्प कौन कर रहा है, अब इनकी हेल्प कर रहे हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, साथ रहे, वो भी इसी समय इसी कोशिश में थे कि किसी तरह से भारत में, क्योंकि उन्होंने जापान चले गए थे और जापान में जाकर उन्होंने एक निर्वासित सरकार भारत की बना ली थी, वहां पर एग्जाइल गवर्नमेंट बना ली थी, और उस गवर्नमेंट को रिकग्निशन किसने दे दिया था, जापान ने, भारत की सरकार को सुभाष चंद्र बोस के उसमें रिकग्निशन भी मिला था। और वो इनसे ही नहीं मिले थे, वो सोचिए ब्रिटेन के खिलाफ जाने की वजह से हिटलर से भी मिलने गए सुभाष चंद्र बोस, क्यों, क्योंकि जर्मनी और जापान दोनों ही ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध कर रहा था बाद में, वरना लोग क्रिटिसाइज करते ना, अरे बताओ इतना बड़ा जो है हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्लैक जिसके बारे में है, हिटलर से मिलने गए, लेकिन क्या करते, ब्रिटेन हमारे यहाँ इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में जाने के लिए हमें क्या है, उसके जो दुश्मन है उससे दोस्ती करनी पड़ी, तो वो हिटलर से भी मिले, ठीक। जापान में उन्होंने बकायदा एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी अगेंस्ट, और वहीं पर उनकी क्या है, कौन सी आर्मी बनाई थी उन्होंने बताइए, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज भी बनाई थी, तो उसके साथ मिलकर ही वो युद्ध करने के लिए यहाँ पे आ रहे, ठीक है। और फिर उसने देखिए मलाया आइलैंड, ये बर्मा जीत लिया और अटैक शुरू कर दिया, किस पे, भारत पे। नॉर्थ ईस्ट की हालत बहुत बुरी कर दी थी, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे जैसे जापान की सेना हमारे नॉर्थ ईस्ट में अंदर आ रही थी, और ब्रिटिश सेना जो थी, मतलब उसमें भारतीय भी थे, वो पीछे की ओर हट रहे थे, और जब वो पीछे की ओर हट रहे थे तो जितना भी क्षेत्र था उसको नष्ट करते जा रहे थे। क्यों नष्ट करते जा रहे थे, हमने बताया था, ताकि आने वाली जापान की सेना के लिए ना खाना बचे ना रहने की जगह बचे। ऐसा ही हमने यहाँ पर आपको रशिया में भी बताया था, याद आ रहा होगा आप लोग को, रशियन जो रशियंस आर्मी थी वो खुद अपने क्षेत्रों को नष्ट कर रही थी, याद आ रहा है। जी सर, तो वो देखिए, अब भारत के सैनिक भारत के ही क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पश्चिम की ओर सेना बढ़ती जा रही है यहाँ पर भारत में नॉर्थ ईस्ट में, वैसे वैसे सेना पीछे हट रही, तो आगे की तरफ उन्होंने क्या किया, इस जो क्षेत्र था उसको नष्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ था। तो सोचिए ब्रिटेन को खतरा क्या हो गया कि अब भारत भी उसके हाथ से निकल जाएगा, और देखिए नीचे ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं पाए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी किसका कॉलोनी थी, वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है, वो ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी। और इसने सोचो मलेशिया जीत लिया, बर्मा जीत लिया, ठीक है, इतने से ही काम नहीं चला, ठीक है, इसने चाइना में हांगकांग और जो है इसको भी जीत लिया था, हांगकांग वाला क्षेत्र इसमें नहीं दिखा रहे हैं, हांगकांग का जो रीजन था वो भी इन्होंने चाइना से छीन लिया। और चाइना का बहुत बड़ा रीजन देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा जापान के अंडर में इतना आ गया, इतना का पूरा रीजन इन्होंने लिया,
ठीक है, अमेरिका से भी क्षेत्र जीत लिए थे, हमने बताया था ये गुआम जीत लिया था इन्होंने, ठीक है, गुआम था इनका। और यहाँ पर फिलीपींस, ये देखिए आपका फिलीपींस, ये यूएसए के अंडर में था, दिखा फिलीपींस दिखाई दिया आप लोग को, ये यूएसए के अंडर में था, ये ग्रीन कलर जो हमने भी किया है, ठीक है, ये वाला रीजन ग्रीन से कर देते हैं। तो अभी भी सोचिए जापान ही पावरफुल, फिलीपींस का रीजन ये इन्होंने यूएसए से छीन लिया, सोचिए, ठीक है। और तो और यहां डचों की कॉलोनी थी ये आपकी जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, डच ईस्ट इंडीज लिखा नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, इनको भी भगा दिया, डचों को भी भगा दिया और वेस्टर्न इंडोनेशिया से पूरा यहां से भगा दिया, ये इंडोनेशिया से डचों को भी भगा दिया इन्होंने। तो सोचिए ब्रिटेन को हराया यहाँ पे, यूएसए को हराया जापान ने यहाँ पे, डचों को भी यहां से हरा दिया, सोचिए। और इसके बाद सबसे बड़ा खतरा हो गया जो ब्रिटिश का, ब्रिटेन का अपना इंडिया में अंपायर था और ऑस्ट्रेलिया में अंपायर था, लेकिन तब बड़ी बात थी कि अमेरिका का एक जनरल था डगलस मैक आर्थर, डगलस मैक आर्थर इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, इन्होंने लीडरशिप संभाली, सेना की लीडरशिप इन्होंने संभाली, और तब इन्होंने फिर डट के जो है जापानियों का मुकाबला किया, डट के जापानियों, और फिर इनको रोक दिया, फिर जाके इनको रोक पाए, ठीक है। तो एक ये हो गया, अमेरिका आ गया, जापान भी युद्ध में देखिए आ गया, जापान ने इतने क्षेत्रों को जीत भी लिया। और अब हम वापस जाते हैं फिर से जर्मनी के पास, क्योंकि जर्मनी ने अब किस पे अटैक कर दिया था, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन के बाद, ब्रिटेन के बाद रशिया, रशिया रशिया पे, ठीक है। तो हम अब फिर से वहां पहुंचते हैं, वहां से स्टोरी को लेके चलते हैं, फिर से फिर एक एक लोग को हराना शुरू करेंगे। तो देखिए जर्मनी ने शुरुआत करी पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन पे हमला किया, उसके बाद उसने यूएसएसआर पे यानी सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। इधर हमने बताया कि नीचे इटली, इटली में मुसोलिनी, उन्होंने शुरुआत करी इजिप्ट और ग्रीस पे अटैक किया, लेकिन वहां पर शुरू में हारने लगे तो हिटलर ने उनकी हेल्प करने के लिए भेजी और फिर वो जीतने लगे जैसे हिटलर ने हेल्प करी। फिर उसके बाद हमने बताया कि कब यूएसएसआर और कब यूएसए भी युद्ध में उतर आया, तो इधर हमने बताया कि इस बार जापान जो है सेंट्रल पावर की तरफ में था और जापान का वॉर चल रहा था चाइना के साथ और चाइना को हेल्प कर रहा था यूएसए, ठीक है, चाइना को हेल्प कर रहा था यूएसए, और इसकी वजह से यूएसए और जापान के बीच में टेंशन बना हुआ था। वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रूजवेल्ट और यहाँ पे मोरी करके थे वो जो है मिले भी, ठीक है, कोनोए, उधर रूजवेल्ट थे इधर कोनोए, इन लोग की मीटिंग भी हुई लेकिन टेंशन कम नहीं हुई। तब तक जापान में कोनोए साहब हट गए और वहां के जो जनरल थे जनरल तोजो वो प्रधानमंत्री बन गए, और फिर उन्होंने जो यूएसए है उसके खिलाफ बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई, बहुत ही अटैकिंग पॉलिसी शुरू कर दी, और उसकी वजह से फिर उन्होंने अभी हमने जो मैप दिखाया उस पूरे क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, चाइना का क्षेत्र जीता, ब्रिटेन का क्षेत्र जीता, यूएसए को क्षेत्र जीत लिया, डचों को हरा के इंडोनेशिया से भगा दिया, इतना सारा रीजन जीत लिया, और साथ ही साथ हमला कर दिया यूएसए के पर्ल हार्बर नेवी बेस पे, वहां पर भी इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, जो नेवी बेस उनका था वहां पर अटैक कर दिया। उसी के बाद यूएसए भी यहां उतर आया, ठीक है। और अब हम वापस पहुंचते हैं जहां पर यूएसएसआर पे इन्होंने हमला किया था जर्मनी ने, और हमने बताया था 5 लाख स्क्वायर माइल्स का रीजन लगभग इन्होंने जीत लिया था, वहां पहुंचते हैं। ऐसे ही पढ़ना पड़े थोड़ा थोड़ा करके। तो अब हम फिर से पहुंचते हैं 1941 में, जब जर्मनी ने हमला कर दिया सोवियत यूनियन पर,
यानी रशिया पर, ठीक है, जर्मनी ने सोवियत। तो हुआ क्या कि जिस समय इन्होंने हमला किया उसके बाद धीरे धीरे वहां सर्दी आने लगी, कहां पर, रशिया में। और हमने बताया ना कि रशिया में भयंकर सर्दी पड़ती, रशिया में भयंकर सर्दी पड़ती, बिल्कुल आइस कैप जाता है, मतलब पूरी की पूरी रास्ते सब कुछ जो है आइस से ढक जाता है, पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड वगैरह सब जो है आइस से ढक जाता है, ठीक है। और ये वेस्ट वाला रीजन ही है जहां से जर्मनी ने इस पे रशिया पे अटैक कर रखा है, ठीक है। तो अब ठंडी आ गई थी, ठीक है, ठंडी आ गई थी, और ठंडी की वजह से क्या है कि अब सेना में लड़ाई थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी, ठीक है, लड़ाई थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। लेकिन अगस्त 1942 आते आते भी, अगस्त 1942 यानी एक साल लगभग हो गया, जून में लड़ाई शुरू हुई थी और एक साल में जो जर्मन्स थे, जर्मन की आर्मनी आर्मी थी, जर्मन्स की, जर्मनी की जो आर्मी थी वो कहां तक पहुंच गई थी, स्टालिनग्राद, मॉस्को में साउथ की तरफ ये रीजन है, ठीक है। चाहे तो हम आपको दिखा भी देते हैं एक बार, स्टालिनग्राद भी दिखा देते हैं, ये देखिए स्टालिनग्राद, ग्रीन कलर से हमने गोला बना दिया। तो सेना यहां तक पहुंच चुकी थी और इस वाले इधर का पूरा रीजन लगभग इन लोगों ने जीत लिया था, इधर का पूरा ये सब जीत लिया था इन्होंने, ठीक है। ये अब ये जो रीजन ये था ना, लिथुआनिया वगैरह ये सब भी जीतते हुए यहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि ये अभी तक यूएसएसआर के अंडर में था। अब इसको भी जीत लिया किसने, ये देखिए बर्लिन दिख रहा है ना, जर्मनी का शहर बर्लिन, उसके आगे से ही अब सीमा किसकी शुरू हुई थी, यूएसएसआर की शुरू। तो ये सारा रीजन इन्होंने जीत लिया था, और जीतते जीतते कहां पहुंच गए थे, यहां पर स्टालिनग्राद, यहां पर हमने अभी आपको दिखाया है, इधर तो हटा के दिखा रहे थे, ये देखिए स्टालिनग्राद तक पहुंच गए लोग, ठीक है, ये इधर पहुंच गए थे। और उधर दूसरी तरफ हमने बताया था कि अफ्रीका में सेना को हेल्प करने के लिए हिटलर की सेना पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो वहां पर भी हिटलर की सेना अब ब्रिटिश सेनाओं को हरा रही थी, दूसरी तरफ अब बहुत तेजी से इसको हराने वाला काम शुरू करना है ना, इसलिए अब तेजी से बताना है आपको। तो इधर की तरफ रशिया में देखा जाए, रशिया में देखा जाए तो जर्मनी की सेना स्टालिनग्राद तक पहुंच चुकी थी। इधर अफ्रीका में देखा जाए तो अब हिटलर की सेना ने जब हेल्प किया तो ब्रिटेन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहां पर थी, वहां पे वो थी, वहां पर मिस्र में, इजिप्ट में, तो वहां पर अब जीतना शुरू कर दिया किसने, मुसोलिनी और हिटलर की सेना ने, मुसोलिनी और हिटलर की सेना ने वहां पर भी जीतना शुरू कर दिया। और इधर भारत की तरफ भी क्या है, लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश आर्मी के बीच में और जापान के बीच में, एक ये भी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और ये लोग लगातार लगभग जीतते ही चले जा रहे थे, कौन, सेंट्रल पावर, अभी भी सोचिए सेंट्रल पावर ही जीतते चले जा रहे थे। तब 1942 के एंड में, यानी 43 स्टार्ट हो रहा था, तब सभी देशों ने आपस में मीटिंग करी, किसने, एलाइड को, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, कहां पे मीटिंग करेगा फ्रांस इस समय, फ्रांस ने कहां रहते हुए मीटिंग करी होगी, लंदन में ही रहते हुए, ठीक है। और इन लोगों और यूएसएसआर यानी स्टालिन भी पहुंच गए, अब इन लोगों ने एक कलेक्टिव अटैक की बात करी, सामूहिक कार्रवाई शुरू करी कि हम लोग की सारी सेनाओं को एक साथ मिलकर एक एक क्षेत्र को जीतना होगा, मतलब एक एक दुश्मन को पकड़ा जाए, पहले जर्मनी को पकड़ते हैं, फिर इटली को पकड़ते हैं, फिर जापान को पकड़ते हैं, और सब लोग अलग अलग लड़ाई करने की बजाय सब लोग मिलकर अब लड़ाई करें,
क्योंकि हम लोग देखिए इस तरह से हारते चले जा रहे हैं। तो इन लोगों ने एक कलेक्टिव एक्शन के लिए एक जगह पर ये सब मिले, ठीक है, ये सब एक जगह पर मिले। और इसी बीच क्या हुआ कि जो ये स्टालिनग्राद तक पहुंच गए थे हमारे जर्मनी, सबसे पहला झटका यहीं से जर्मनी का शुरू होगा। देखिए ये स्टालिनग्राद तक पहुंच चुके थे जर्मनी का, हिटलर पहुंच चुका था। स्टालिनग्राद में क्या है, इनको जबरदस्त विरोध मिला और फिर वहां पर सेना यानी जो रूस की सेना और वहां के नागरिक, सोचिए सिटीजंस, दोनों ने मिलकर किसके अगेंस्ट में, जर्मनी के अगेंस्ट में। और देखिए अब तक सर्दियां आ चुकी थी, ठीक है, सर्दियां जबरदस्त सर्दियां आ चुकी थी, उसके वजह से क्या हुआ ये सेना स्टालिनग्राद तक तो पहुंच चुकी थी। ठीक है एक बार इसको नीचे करके बताते हैं, मैप सामने रहता है तो ये जर्मनी का है और ये रशिया, ठीक है, और जर्मनी की सेना यहां तक पहुंच गई, यहां पर स्टालिनग्राद पहुंच गई। और जब यहां पहुंच गई तो पीछे से अब बर्फबारी हो गई, रास्ते सब बंद हो गए, अब सेना फंस गई, समझ रहे हैं आप, अब इनकी सेना फंस गई, अब इनको पीछे से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही जर्मनी की तरफ से, और ये यहां पर फंस गए। और यहां पर लगभग 1,00,000 जर्मन सैनिक थे, 1,00,000 के आसपास जर्मनी के सैनिकों ने यहां पहुंच गए थे, कहां पे, स्टालिनग्राद। और इनको लगा था अब तो हम जीत ही गए, लेकिन वहां पर सेना ने, रूस की सेना और रूस के नागरिक दोनों ने टक्कर ले ली, रूस की सेना और रूस के नागरिक दोनों ने टक्कर ले ली। और उस टक्कर का नतीजा यह हुआ कि एक तो ये यहाँ पे फंस गए पीछे की तरफ से, ना अब इनको हथियार मिल रहे थे और ना ही पीछे से फूड सप्लाई, क्यों, यहाँ पर पूरा बर्फ से ढक गया ये वाला रीजन, तो अब पीछे से कोई हेल्प हो ही नहीं पा रही थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो ये जनरल थे, जर्मनी के जो जनरल थे, इनको सरेंडर करना पड़ा। सोचिए अब यहीं से गड़बड़ी शुरू होगी, जर्मनी के जो जनरल थे उनका नाम था वॉन पॉलस, इन्होंने अपनी 1,00,000 आर्मी के साथ सरेंडर करना पड़ा, कहां पे, स्टालिनग्राद में, ठीक है। और ये सरेंडर कब हुआ, ठंडी का मौसम, फरवरी 1943, बस यही है वो पिन पॉइंट जहां से अब ये हारना शुरू करेंगे, फरवरी 1943। जर्मनी की सेना स्टालिनग्राद में रूस की सेना और वहां के नागरिकों की मिलीजुली टक्कर से वहां पर हार गई, ठीक है। एक सेकेंड जरा था इसको ओपन कर ले तो बताने में आसानी रहेगी, कौन सा है, तो फरवरी 1943 जर्मनी की सेना रूस में स्टालिनग्राद तक पहुंच गई, पीछे से सब जीतते हुए पहुंच गई, पीछे का लगभग 5,00,000 माइल्स स्क्वायर का, एरिया उन्होंने जीत लिया। फरवरी का मौसम आ गया, जनवरी की बात कर रहे हैं, दिसंबर और जनवरी, बर्फबारी होने लगी और पीछे से जितनी भी सप्लाई है वो बंद हो गई जर्मनी की, और इधर उनसे टक्कर लेना शुरू कर दिया जर्मनी, रूस की सेना के साथ साथ रूस के नागरिकों ने भी यहां पर स्टालिनग्राद में। अब जो जर्मनी की सेना थी वो हारने लगी और उसका नतीजा जब चारों तरफ से फंस गए, खाने के लिए भी नहीं बचा, पीछे से ना आर्मी उनको हेल्प करने के लिए आ रही है, ना उनको फूड सप्लाई हो रही, ना ही वेपन सप्लाई हो रही है, तब फिर हार मानकर जो जनरल थे जर्मन सेना के वॉन पॉलस, उन्होंने सरेंडर कर दिया फरवरी 1943। और जैसे ही जर्मन सेना ने सरेंडर किया,
वैसे ही ये भ्रम, ये जो इल्यूजन था वो खत्म हो गया कि जर्मनी को हराया नहीं जा सकता। क्यों? अभी तक जर्मनी को किसी ने कहीं पर भी नहीं हराया। सोचिए, कहीं पर भी जर्मनी अभी तक हारा नहीं था, ये सोच लीजिए। पहली बार हारा फरवरी 1943, और तब तक मीटिंग कर ली थी सभी एलाइड पावर्स ने, जितने भी मित्र राष्ट्रों ने मीटिंग करी कि हम लोग को अब सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए, एक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट लेना चाहिए, किनके, जो आपकी सेंट्रल पावर्स। और उसी बीच ये काम हो गया, और जैसे ही ये काम हुआ सबको पता चल गया कि जो एक एक तरह की मिथ चल रहा था, कि जर्मन आर्मी को हराया नहीं जाता, वो बिल्कुल अजेय है, इनविंसिबल है, उसको हरा नहीं सकते, वो मिथ टूट गया, वो भ्रम टूट गया। और सबको लगा कि जब जर्मनी को हराया जा सकता है तो किसी को भी हराया जा सकता है। और ऐसा ही हमारे यहां भी हुआ था, ठीक है, हमारे यहां पर भी ये लगा कि जब जर्मनी, जिसने ब्रिटेन की हालत खराब कर दी, जब वो हार सकता है तो क्या हम लोग ब्रिटेन को नहीं हरा सकते? जर्मनी ने ब्रिटेन की हालत खराब करी थी, फ्रांस को जीत लिया था, और जब जर्मनी हार गया तो क्या अब ब्रिटेन को नहीं हराया जा सकता? और फिर भारत का जो एक डायरेक्शन है टूवर्ड्स हो गया था रशिया की तरफ, थोड़ा सा आगे चलकर अभी देखेंगे। इसी के बाद क्या होगा, भारत यूएसए की बजाय रशिया की तरफ थोड़ा सा टूवर्ड्स डाइवर्जन उधर चला जाता सोशलिज्म की वजह से, अभी देखेंगे। तो अब ये मिथ खत्म हो गया कि जर्मनी को हराया नहीं जा सकता, ठीक है, इतना। और तब मीटिंग हो चुकी थी, और मीटिंग के बाद पहला नंबर इधर यूएसएसआर ने हराया किसको, जर्मनी को, और दूसरी तरफ सब देशों ने मिलकर अब एक कलेक्टिव एक्शन लेना शुरू किया इटली के खिलाफ। इटली की हालत खराब, मुसोलिनी की हालत खराब होने वाली है, ठीक है। ये था आपका फरवरी के बाद जुलाई 1943, मीटिंग हो चुकी थी और बोला गया कि सबको मिलकर एक एक करके हराएंगे। और फिर उसके बाद अटैक शुरू किया गया, इटली ने जहां जहां भी अफ्रीका में सेना थी सारी सेनाओं को इन लोगों ने मिलकर हराया, और अफ्रीका में पूरे पूरे अफ्रीका से इटली के सारे कॉलोनीज को समाप्त कर दिया। 5-6 महीने के अंदर, ठीक है, इटली की जितनी भी जगहों पर उसने अफ्रीका में कब्जा किया था, चाहे वो इजिप्ट रहा हो, चाहे ग्रीस वाला रीजन रहा हो, उन सब क्षेत्रों को वापस जीत लिया गया अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त आर्मी ने मिलकर, और इटली को अफ्रीका से भगा दिया। और सिर्फ अफ्रीका से ही नहीं भगाया, उन्होंने क्या किया, इटली का जो आइलैंड है, ये आपका इटली है छोटा सा, इसका जो आइलैंड है सिसली, सिसली आइलैंड, इन्होंने इसको भी जीत लिया। एलाइड पावर ने पूरे अफ्रीका से सफाया कर दिया इटली का, समझ में आ रहा है ना? Yes, इटली ने, अभी हमने कल बताया था, इटली ने अफ्रीका में और कहां कहां पे कब्जा किया था? इथोपिया और इरिट्रिया, ठीक है। तो इथोपिया और इरिट्रिया भी इनके कब्जे से बाहर, पूरे अफ्रीका से इटली को हटा दिया। और तो और खुद इटली जब सिमट के रह गया इतने में, तो सिसली आइलैंड पे भी कब्जा कर लिया, इटली का जो सिसली आइलैंड है उस पे भी कब्जा कर लिया। और अब घबरा गए, किनको घबराहट होने लगी, वो थे हमारे मुसोलिनी साहब, प्रधानमंत्री थे ना मुसोलिनी। अब ये घबरा गए, और घबरा कर इन्होंने रिक्वेस्ट किससे करी, कोई गेस कर सकता है, कभी पढ़ा हो कहीं पे? किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक है। इन्होंने घबराकर ब्रिटेन ब्रिटेन से कुछ नहीं कहा, इन्होंने जो वहां के राजा थे ना विक्टर इमैनुअल थर्ड, इनसे बोले भैया अपनी सत्ता आप संभालिए, हम शासन छोड़ रहे हैं,
आपको जो हमको सजा देनी है दो, लेकिन अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब सारी सत्ता आप संभालिए। और विक्टर इमैनुअल ने सत्ता ले ली इनके हाथों से और इनको डाल दिया किसमें, जेल में, और एक नया प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उस नए प्रधानमंत्री ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, एक तरह से ट्रीटी कर ली किसके साथ, एलाइड के साथ। मुसोलिनी की इतनी हालत खराब हुई, मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया, नया प्रधानमंत्री बनाया गया और इनको एक आइलैंड में कैद कर दिया गया। किसको, मुसोलिनी को एक आइलैंड में कैद कर दिया गया, ठीक है। और उस आइलैंड से जर्मनी की सेना ने इनको छुड़ा भी लिया और ये लोग छुपकर युद्ध भी कर रहे थे, लेकिन फिर मुसोलिनी वहां से भाग रहे थे और स्विट्जरलैंड के पास में इनको पकड़ लिया गया और गोली मार दी। अच्छा खासा जेल में रहते शायद गोली भी ना पड़ती, क्योंकि मुसोलिन, हमने कहा ना जनता भड़की रहती है, जनता को केवल मौका दे दिया जाए। आज वर्तमान समय में इतनी सिक्योरिटी के साथ लोगों को जाना पड़ता है, क्यों, जनता इतनी भड़की हुई ना कि अगर जनता के सामने पड़ जाए तो जनता ही उनपे आक्रमण कर दे। हमारे देश की भी यही हालत है, इस चीज को आप लोगों ने पता नहीं रियलाइज किया कि नहीं किया, जनता बहुत भड़की हुई है सरकार से, बहुत बड़ा वर्ग है जनता से भड़का हुआ। वैसे ही मुसोलिनी के साथ भी था, मुसोलिनी ने जब डिक्टेटरशिप वाला स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे, तो जैसे ही जेल से भागे और छापामार लड़ाई कर भी रहे थे, भागने की कोशिश में स्विट्जरलैंड के पास में इनको पकड़ लिया, और जब पकड़ा गया तो बोले अब इनको वापस नहीं करेंगे राजा को, इनको क्या करते हैं, इनको गोली मार दो, और इनको गोली मार के खत्म, स्विट्जरलैंड के पास में इनको गोली मार दी गई। सोच लीजिए ये लगभग जून 94 की बात, 1944 की बात, उसी के आसपास। तो इटली तो गया, ठीक है, इटली गया, इटली का काम तमाम हो गया, इटली ने सरेंडर कर दिया। अब दूसरी तरफ हार रहा था जर्मनी, किससे, रशिया से हार रहा था। उधर पहुंचते हैं अब हम, सेकंड जरा से इसको क्लियर कर ले। अब इधर जर्मनी को हराना शुरू कर दिया था रशिया ने, जर्मनी हारना शुरू कर दिया था रशिया से, क्यों, रशिया अभी तक इनकी तरफ था, अब उनकी तरफ से लड़ रहा, ठीक है, अब इन्होंने इसको हराना शुरू कर दिया। तो इधर जर्मनी ईस्ट में लड़ रहा है रशिया से, और वेस्ट में क्या हुआ, अभी ब्रिटेन और यूएसए की सेना, उसने क्या किया, 6 जून 6 जून 1944 फ्रांस को स्वतंत्र करवा लिया, फ्रांस को फ्री करवा लिया, ठीक है, फ्रांस को फ्री करवा लिया। और अब फ्रांस की सरकार वापस आ गई यहां पे, और पीछे से जर्मनी पे हमला शुरू। तो इधर से इनका हमला शुरू, इधर से इनका हमला शुरू, ठीक है। और जो रशिया की सेना थी, अब तक देखिए पिछली बार रशिया इसलिए हार रहा था क्योंकि वहां पर सिविल वॉर खुद ही छिड़ा हुआ था, वहां पर रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था, याद आ रहा है आप लोग को, रशिया खुद ही परेशान था अपने आप में, याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार स्टालिन बिल्कुल बढ़िया गवर्नमेंट थी वहां पे, स्टालिन ने जब अटैक किया ना जर्मनी पे, तो फिर सारा का सारा क्षेत्र जीतते हुए सीधे बर्लिन के पास पहुंच गया, जो हमने अभी आपको दिखाया था, जर्मनी का ईस्ट में जो शहर है बर्लिन, वहां तक पहुंच गया, ठीक है। और इधर की तरफ से फ्रांस की सेना ने, ब्रिटेन की सेना ने, और खुद यूएसए की सेना ने, और जो है अब तो इटली हट ही चुके हैं, उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं बचा, इन लोगों ने इधर से अटैक कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो है किसने गोली मार ली फिर अपने आप को, हिटलर ने, जब लगा कि अब हार जाएंगे, तो हिटलर ने फिर 24 अप्रैल 1945, ठीक है, 24 अप्रैल 1945 हिटलर ने खुद को गोली मार ली,
बंकर में पूरी फैमिली सहित सुसाइड कर लिया, क्योंकि वही है ना वो आपने हमने क्या बताया था कौन सा राष्ट्र नेशनलिज्म एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो वो जो है इतना सब कर लिया था ना कि अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, और इतनी सारी उन्होंने हत्याएं जो मास किलिंग करवाई थी, तो उनको वैसे भी बाद में फांसी की सजा या कुछ ना होती, तो उस वजह से क्या है ये हार गए। और 24 अप्रैल 1945 को क्या है इन्होंने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। जर्मनी में नई सरकार आई और नई सरकार ने 7 मई 1945 को सरेंडर कर दिया। 7 मई 1945 उन्होंने सरेंडर कर दिया, एलाइड पावर के सामने सरेंडर हो गया। तो इटली गया, जर्मनी गया, यूएसएसआर वापस इधर आ गया था। अब सिर्फ कौन बचा है, अब बचे हैं आपके जापान, और जापान को हराना भी नामुमकिन था। ठीक है, जापान को हराना भी नामुमकिन था। तब जो है राष्ट्रपति नए बन चुके थे यूएसए के, क्योंकि इधर जापानी लगातार इधर सब जगह बर्मा वर्मा सबको जीतते हुए अंदर एंट्री मारते चले आ रहे थे हम लोग इधर इंडिया वाले पोर्शन में। ठीक है, तब जो है यूएसए के जो राष्ट्रपति नए बने थे हेनरी एस ट्रूमैन, हेनरी एस ट्रूमैन, इनको सेना के अधिकारियों ने एडवाइस करा कि हमें परमाणु बम का प्रयोग करना पड़ेगा जापान को हराने के लिए। और वैसे भी देखिए सबसे बड़ी चीज है पर्ल हार्बर पे जो हमला हुआ था उसका बदला तो लेना ही था, समझ रहे हैं, भले वो 41 में हुआ था लेकिन अमेरिका उसको भूला थोड़ी ना था, तो उसको जो है बदला लेना था कि हर हाल में, और उसको पूरे वर्ल्ड को ये दिखा देना था न्यूक्लियर पावर बन चुका है और मौका भी बहुत सही था। सबसे बड़ी जो एडवाइस दी होगी ना उसमें ये भी है कि आप पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए कि सबसे पावरफुल हम ही, समझ रहे हैं, सबसे पावरफुल हम ही है, ये भी पूरे विश्व को दिखाना था। इराक में भी यही किया गया था अभी, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाता और उसकी वजह से क्या हुआ उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और प्लस जापान को हराने के लिए 6 अगस्त को और 9 अगस्त, मतलब बीच में गैप भी है, मतलब जापान अभी 6 अगस्त को जब हिरोशिमा में गिराया गया तो अभी तैयारी बना ही रहा था कि क्या करें क्या करें, 9 अगस्त को नागासाकी में भी गिरा दिया गया, नागासाकी, और पूरा का पूरा नागरिक वागरिक सब जितना भी सिटीजंस वगैरह सब का सब पूरा शहर पूरे वर्ल्ड ने ये चीज देखा कि जो आपका परमाणु बम है जो एटम बम है वो क्या हाल कर, ठीक है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो आपका क्या हाल करता है। और तुरंत अगले ही दिन 9 तारीख को अटैक किया गया, 10 तारीख को सरेंडर, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सिग्नेचर किया सितंबर में जाकर, और फिर फाइनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो फिनिश हो गया 2 सितंबर 1945, जब जापान ने सिग्नेचर किया, सरेंडर कर दिया था 10 अगस्त को, याद रखिएगा, और फिर उसके बाद 2 सितंबर को इन्होंने जापान ने सिग्नेचर कर दिया और फाइनली आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ। तो एक बार हल्का सा आपको समराइज कराते हैं, फिर एक एक करके जब लिखेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, पोलैंड को जीत लिया और रशिया ने और जर्मनी ने आपस में बांट लिया। ठीक है, जर्मनी और रशिया ने इसको आपस में बांट लिया। जब पोलैंड पे हमला किया तो इधर फिर वॉर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटेन ने भी और फ्रांस ने भी, इसके अगेंस्ट में ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर किया। ऊपर जरा सा बना दें तो ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस, इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। अब जर्मनी ने पोलैंड को जीता, फिर उसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क, फिर हॉलैंड जो नीदरलैंड है, फिर उसके बाद बेल्जियम,
इसको जीत लिया और इसके बाद अटैक करके फ्रांस को भी जीत लिया। फ्रांस में बचे हुए 1000 सैनिक भागकर ब्रिटेन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने फ्रांस की एक निर्वासित सरकार एक्साइल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है, वहां पहुंच गए। अब जर्मनी के सामने ब्रिटेन, अब जर्मनी ने ब्रिटेन पे अटैक किया, लंदन में अटैक किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऑपरेशन सी लॉयन, ऑपरेशन सी लॉयन था और अटैक किया लेकिन नहीं हो पाया। इधर अब फ्रांस के हारते ही इधर इटली युद्ध में आ गए अपने, इटली मुसोलिनी साहब, इन्होंने इधर की तरफ ना बढ़ते, इन्होंने अफ्रीका की तरफ बढ़ना शुरू किया और इन्होंने जो आपका ग्रीस था और जो इजिप्ट था यहां पे हमला किया। और इनका पहले से क्षेत्र क्या था आपका, इथोपिया और इरिट्रिया पे इन्होंने पहले से कब्जा कर रखा था, हमने पिछले उसमें बताया ही। यहां पर जब हमला किया ग्रीस और इजिप्ट में, तो यहाँ की सेना ने जब टक्कर दी तो हिटलर ने अपनी सेना भेज दी इनकी हेल्प मुसोलिनी की करने के लिए, और मुसोलिनी और हिटलर की सेना ने फिर इजिप्ट पे कब्जा करना शुरू कर दिया जो कि ब्रिटेन का एक कॉलोनी थी। इधर ये, इधर तीसरी शक्ति जापान, जापान चाइना से युद्ध कर रहा था और चाइना की हेल्प कर रहा था यूएसए, ठीक है। और जापान के प्रधानमंत्री और यूएसए के प्रधानमंत्री के बीच में मीटिंग भी हुई क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही थी। जापान कह रहा था आप क्यों हेल्प कर रहे हैं चाइना को रीजन में, लेकिन मीटिंग फेल कर गई। जापान में नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अटैकिंग जो है स्ट्रेटजी फॉलो करी यूएसए के खिलाफ। और पहले तो जापान ने इस पूरे क्षेत्र में, पैसिफिक रीजन के क्षेत्र में, अमेरिका से भी क्षेत्र छीन लिए, ब्रिटेन से भी क्षेत्र छीन लिए, चाइना से भी छीन लिए, डचों को भी भरा दिया यहाँ से, सबको हरा दिया यहाँ से, सबको भगा दिया यहाँ से, पूरे रीजन को जीत लिया और हमला कर दिया जो पैसिफिक ओशियन में हवाईयन आइलैंड के पास में पर्ल हार्बर नेवी बेस। और इसी के बाद यूएसए भी आ गया था इसमें। और जब इधर फिर एक एक को हराना शुरू किया गया, ये इधर चल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले यूएसएसआर पे जब जर्मनी ने हमला किया और वहां पर उनके पास पहुंच गया तो यूएसएसआर ने फिर अटैक शुरू किया और जर्मनी को ईस्ट में स्टालिनग्राद में हरा दिया। और पीछे की तरफ यूएसए और ब्रिटेन की सेना ने फ्रांस को जीत लिया और जर्मनी बीच में फंस गया। अब जर्मनी जब बीच में फंस गया तो इधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक, और फाइनली फिर हिटलर ने खुद को गोली मार ली और जर्मनी ने अपना सरेंडर कर दिया। इधर इटली के साथ भी यही हुआ, ठीक है। इधर सारी सेना ने अफ्रीका में यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने मिलकर मुसोलिनी को वहां से भगा दिया और मुसोलिनी भागकर इटली वापस आए और इटली में उन्होंने राजा से बोला कि सत्ता आप संभालिए, अब हमसे कुछ नहीं होगा। राजा ने उनको जेल में डाल दिया, जेल से निकले स्विट्जरलैंड के पास में लोगों ने उनको पकड़कर गोली मार दी। अब बचा जापान, जापान जो है सबको हराता चला जा रहा था। तब जो है यूएसए के नए प्रेसिडेंट जो बने थे ट्रूमैन, उनको सलाह दी गई कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए। और फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 फाइनल लास्ट है, इन्होंने हमला किया हिरोशिमा और नागासाकी और उसके बाद जापान ने भी सरेंडर कर दिया। और फाइनली फिर 2 सितंबर को ट्रीटी हो गई 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया तो एक सोचिए, 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था भाई, 1 तारीख को पोलैंड पे हमला, 3 तारीख को शुरू हो गया था ब्रिटेन, तो 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, ठीक है, और 2 सितंबर 1945 को खत्म, फिनिश हो गया। अब इसमें कोई पॉइंट अभी ना समझ में आया तो पूछ लीजिए, फिर लिखाते समय तो हम करवाएंगे।